ठीक है, हम लोग कल करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और उसी में हम लोग सर्किट थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसी का हम लोग लास्ट टॉपिक चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर हमको ऐसा सर्किट दे रखा है और हमसे पूछे कि हर सर्किट में कितना करंट बह रहा होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि फाइंड करेंट इच सर्किट। ठीक है, इच सर्किट में कितना करंट होगा ये हमको पता करना है। आइडेंटिकल वाला लास्ट क्लास जैसे किए थे वैसे ही करना है। अच्छा ये था, आवाज आ रहा है? ये 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 एंड ये था x ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, क्या किए थे हम लोग, बोला था कि इसी को फॉलो करना है। वो डिफाइंड है, मींस इसका जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r है। यानी कहीं पे एक जगह पोटेंशियल हम लोग जीरो मान ले रहे थे, जैसे कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान ले रहे हैं, यहाँ भी क्या होगा जीरो, यहाँ भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि वायर है, कनेक्टिंग वायर है, अगर कोई रेजिस्टेंस या बैटरी नहीं होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप उसके क्रॉस सेम होता है, यानी कि पोटेंशियल हर जगह इक्वल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो इस लाइन में यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का अगर बात करें तो इधर इस डायरेक्शन से जाएंगे तो हमको नहीं दिख रहा है, इधर से जाएंगे तो दो दो चीजें आ रही हैं, इस रास्ते से अगर गए तो हमको दिख रहा है कि ये जीरो वोल्ट है और ये हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे 8 वोल्ट होगा। ठीक है, ये 8 वोल्ट तो यहाँ भी 8 वोल्ट है और इसके क्रॉस 8 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल हमको लिखना होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे ये 0 है तो इस पॉइंट का क्या बोलेंगे, x less than equal to 0 when even होगा तब बोलो, odd होगा तब, दो कंडीशन if दिया हुआ है, इस पॉइंट पे क्या बोलेंगे हम लोग, उस पॉइंट पे ये जीरो है, इधर जा रहे हैं, हायर होगा तो 6 वोल्ट होगा। वैसे ही यहाँ पे ये जीरो है, इधर जब जाएंगे तो यहाँ का क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट। हमको हर जगह पोटेंशियल पता चल गया, करंट हमको निकालना है। ठीक है, तो करंट अगर हम निकालना है तो करंट हम लिख रहे हैं, तो करंट कैसे लिखेंगे, तो अगर हम इस डायरेक्शन में, इस वाले में बात करें, तो ये हायर पोटेंशियल है, इधर की तरफ होगा करंट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 6 यानी कि 2, यानी कि इधर 1 एम्पियर का करंट होगा। यस, ठीक है, अब यहाँ का बात कर रहे हैं तो इसमें जो है, इस जगह का अगर पोटेंशियल हमको लिखने का बोलेगा तो क्या लिखेंगे, बोलो, इस जगह का पोटेंशियल बोले तो ये 8 है, ये 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 वोल्ट। तो इसके क्रॉस जो करंट होगा 4 से इधर की तरफ होगा, 4 माइनस 0 यानी 4/2, 2 एम्पियर, ये हो गया 1 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर। इस सर्किट का बात करें तो यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, यानी कि इधर की तरफ करंट होगा वो होगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमको ये सब सर्किट में पता चल गया, तो इसमें पता चल गया, इसमें पता चल गया, इसमें अब हमको ये सब बचा, इन सब में अगर हमको पता करना है तो कैसे करेंगे, तो इस पॉइंट को हम देखते हैं। ठीक है, जहाँ 8 वोल्ट है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इधर से जो करंट आ रहा है 1 एम्पियर आ रहा है और इधर 1 एम्पियर चला गया और इधर की तरफ जा रहा है 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में हमको दिख रहा है कि जरूर ऊपर की तरफ 2 एम्पियर गया होगा, तभी ये 1 एम्पियर तो इधर आ गया और ये 2 एम्पियर कहाँ से गया होगा, तो इस सर्किट से गया होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज हमको आया। अब यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से इधर तो 1 एम्पियर आया है, तो इस पॉइंट पे इधर 2 जा रहा है, यानी कि इधर से जरूर 1 एम्पियर आया होगा, तो मिलके 2 एम्पियर, यानी कि हमको इस सर्किट में सब चीज पता चल गया। अच्छा हाँ, इसमें जो है
क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं हम सॉल्व उसी पे कर ले रहे हैं, लेकिन तुम लोग जब कॉपी में नोट कर रहे हो तो क्वेश्चन अलग नोट करो फिर उसका सोल्यूशन अलग बनाओ, ठीक है? इस पे और क्वेश्चन कराने का तो हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास भी दो तीन क्वेश्चन करे थे। लेकिन अगर ऐसा सर्किट हो गया ठीक है, ऐसा दे रखा है फिर स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर दीजिए ना, स्क्रीन घुमा दीजिए ठीक है, तो भी कहां और ये क्या है गया अब 2x, ये तो पॉजिटिव है, x ग्रेटर स्टेट लाइन आ रहा है, बीच तक चला जाएगा। अब ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तो इवन के कंडीशन में क्या होता है कि ये इस तरह से करना चाहिए देन ये स्टेट लाइन बन जाएगा, ऐसे दे रखा है हमको। क्या होगा ये वाला जो पार्ट आएगा -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू क्या है 0 हो गया, और ये जो इसको ऐसे कनेक्ट करे हुए हैं, ये हमारा 2 वोल्ट है वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। इसमें अब पूछा जा रहा है हमसे कि तीनों सर्किट में क्या करंट होगा, क्या होगा बताओ। हेलो हेलो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ बनाना करो, इसको कैसे करेंगे नीचे 0 तो मान लेंगे, चलो ठीक है। और यहाँ 0 मानेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा 6 वोल्ट, यहाँ पे मिल गया हमको 4 वोल्ट, यहाँ मिल गया हमको -2, यही होगा। लेकिन ऊपर अब हमको नहीं पता क्या है, हम क्या करेंगे ऊपर, जब हमको नहीं पता है तो हर जगह अगर हम इसको x बोले तो ये भी हमारा x होगा, ये भी x होगा। लेकिन अभी फिर भी हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कितना करंट जा रहा होगा, हम कैसे पता कर सकते, ठीक है? पहले वाले का तो डायरेक्शन उल्टा है ना, बाकी वाले तो डायरेक्शन तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे किधर जाएगा बोलो भाई, लोअर जाएगा यानी कि तो नीचे से ऊपर ही जाएगा पहला वाला में, ठीक है? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम लोग लॉ पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है? किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है उसके बारे में अगर हम जानते हैं, ये 2 लॉ पढ़ते हैं हम लोग। पहला पढ़ते हैं जंक्शन लॉ, ठीक है? इसी को हम लोग करेंट लॉ भी बोलते हैं,
ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग KCL बोलेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो हम लोग पहले पढ़े थे कैपेसिटर में वही चीज यहाँ भी, ठीक है। यानी कैपेसिटर में हम लोग क्या पढ़े थे कि किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ जो बोले थे, ऐसा हमारा अगर सर्किट है मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा तीन ब्रांच है, तो अगर हम बोले कि इधर से करंट I1 आया हो, इधर से करंट I2 आया हो, इधर I3 गया हो, तो जो भी करंट का सम होगा हमारा वो सारा सम जीरो, ठीक। और साइन कन्वेंशन हमको लेना है, इनकमिंग करंट जो होगा वो पॉजिटिव अगर ले रहे हैं तो आउट गोइंग करेंट जो होगा वो निगेटिव, ठीक है। सेम चीज था, वहां चार्जेस आ रहे थे, अगर अलग अलग ब्रांचेस में चार्जेस मूव कर रहे हैं, इस नोड पे बोले थे कि सारा नोड पे जो चार्जेस का सम होगा वो जीरो होगा, हम यहाँ बोल रहे हैं चार्ज का सम जीरो होगा, करंट का सम जीरो होगा, दोनों चीज सेम ही चीज, ठीक है। और ये किस चीज पे बेस्ड है, तो हम बोलेंगे कि ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अगर ये चीज हम जानते हैं तब हम इस चीज को आसानी से अब आराम से कर सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पे x, ये हमारा नोड मिल रहा है, यानी कि अगर हम मान ले कि इधर से करंट I1 है, इधर करंट I2 गया है, इधर करंट I3 गया है, तो I1 जो होगा वो I2 प्लस I3 के बराबर हो। अब I1 क्या लिखेंगे हम, तो -2 को हायर माने एज कम्पेयर टू x, तो हम क्या लिखेंगे, हायर माइनस लोअर लिखते हैं, यानी -2 माइनस एक्स इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बाई 2 इक्वल टू, ये ऊपर क्या लिख रहे हैं हम, देखो ध्यान से कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट का डायरेक्शन हम इधर माने हैं, तो हायर हुआ हमारा -2, लोअर हुआ x, तो हायर माइनस लोअर, ठीक है। तो वैसे ही इधर I2 माने हैं कि इधर की तरफ, तो x को हायर माने हैं, x माइनस 4/2 प्लस यहाँ पे क्या होगा इधर की तरफ, तो यहाँ भी हम x को हायर माने हैं, तो x माइनस 6/2, 2 कट जाएगा और हमारा आंसर क्या जा रहा है 10, यानी -2 प्लस 10 इक्वल टू 3x, यहाँ से x का वैल्यू हमको मिल गया 8/3, ठीक है। x का वैल्यू अगर हमको 8/3 मिल गया, तो अब इस इक्वेशन में हम 8 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो I1, I2, I3 हमको मिल जाएगा, बात समझ आया। इसमें I1 equals to I2 plus I3 कैसे लिखते हैं? हम इस जंक्शन को यहाँ से अगर देख रहे हैं, तो दो करंट आया, तो आउट गोइंग को इनकमिंग को हम लोग क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, आउट गोइंग को निगेटिव मान लेते हैं, और ये हमारा लॉ है। तो हम यहाँ से अगर देख रहे हैं, तो ऐसा सर्किट है, इधर हम माने कि I1 आया, इधर I2 गया और इधर I3 गया, हम लिखते I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, माइनस है तो इधर कर सकते हैं ना, कि जो भी करंट यहाँ आया वो दो पार्ट में डिवाइड हो, ठीक है। यही चीज हम लोग यहाँ यूज कर रहे थे, भले ही नाम नहीं बोले थे, लेकिन यहाँ जो भी करे थे वो क्या किए थे, हम लोग सेम चीज किए थे कि अगर कोई हमारा सर्किट दे रखा होगा तो उसमें से हम जंक्शन लॉ लगा रहे थे, ठीक है। इसका सेकेंड लॉ क्या है, पोटेंशियल लॉ या वोल्टेज लॉ बोलते हैं, ठीक है, वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग KVL बोलते हैं शॉर्ट में, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वही चीज है, सेम चीज जो हम लोग पहले पढ़े थे, कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस दे दिया हो सकता है कि बैटरी दे लिया हो, कुछ भी दिया हो, अगर हम इस सर्किट में ए से बी जाए, बी से सी जाए, सी से डी आए, यानी कि सर्किट में अगर हम क्लोज लूप में घूमेंगे, यानी कि
इनक्लोज्ड लूप अगर हम बात करें तो जो हमारा सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो आएगा, ठीक है। यानी कि केवीएल जो कहता है वो ये कहता है कि अगर हम किसी सर्किट के क्लोज लूप में घूमते हैं तो अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप हर जगह लिखते जाएं हर पार्ट में तो जो हमारा सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से हम चले, ये आर है, इसमें से करंट आई होता, इसके क्रॉस कुछ भी वन आता, इसके क्रॉस कुछ भी टू आता, इसके क्रॉस कुछ भी थ्री आता, ये मान लेते हैं भी है, तो सबके क्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये आएगा। अब पोटेंशियल ड्रॉप जीरो तो हम क्यू इनटू सम ऑफ भी इक्वल टू जीरो कहेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, यानी कि ये किस चीज पे बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कैपेसिटर में भी ये चीज देखे थे कि अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम लोग केवीएल यूज कर रहे थे और इसमें साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर रहे थे, याद है। अगर बैटरी था हमारा ऐसा तो ये हमारा माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर हम मूव करते वक्त इधर जा रहे थे तो डेल्टा भी इसके इसमें क्या लिख रहे थे बताओ, हायर से लोअर जा रहे हैं इसमें माइनस भी लिख रहे थे। और अगर वही चीज है, ये प्लस माइनस ये भी है और हम अब इधर जा रहे हैं तो हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, इसमें डेल्टा भी प्लस भी लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हमको रेजिस्टर मिल गया, कैपेसिटर के लिए हम लोग कैपेसिटर में देखे थे, अगर रेजिस्टर मिल गया और रेजिस्टर में करंट मान लेते हैं कि इसमें इधर की तरफ बह रहा है, इसमें इधर की तरफ बह रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर, तो हम क्या जानते हैं, हम इसमें इधर से इधर जा रहे हैं, हम क्या जानते हैं कि जो करंट बहता है वो हमेशा किधर से किधर बहता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो रेजिस्टेंस के केस में करंट का डायरेक्शन देख लेना है, ठीक है, हम जिधर माने हैं उधर ही, और ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है तो इसके बीच में जो हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो हम हायर से लोअर जा रहे हैं तो डिफरेंस क्या आएगा, निगेटिव हायर, ठीक है, क्योंकि हम किधर से जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, वैसे इधर इसमें हायर हो गया इधर लोअर हो गया। और अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसमें जो अगर डेल्टा भी लिखेंगे, यानी कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो जो लिखना होगा वो हम क्या लिखेंगे, आयर तो आएगा ही, क्या दिख रहा है, हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं यानी कि प्लस। सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि लोअर से हायर जा रहे तो प्लस कैसे हो रहा है, ये नंबर सिस्टम है, इधर टू है इधर फोर है, कौन सा लो है, लो टू है, हाई पे, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यानी कि डिफरेंस जो लिखते हैं किसी चीज का वो भी फाइनल माइनस भी नीचे लिखते हैं, बोलो डेल्टा कभी भी यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस नीचे, तो फाइनल जब हायर है लोअर जब कम है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यस सर, बोलो, यस सर, चंदन, हाँ सर, हेलो, यस सर, ठीक है, वैसे ही इस केस में इसका उल्टा था, ये चीज हमारा है कि केवीएल, इसको शॉर्ट फॉर्म में केवीएल बोलते हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है क्योंकि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी होगा वो कंजर्व होगा क्योंकि डेल्टा भी जीरो, यानी कि डेल्टा यू भी जीरो होगा, ठीक है। इसका स्टेटमेंट हम नहीं लिखा रहे क्योंकि पिछले हम लोग वोल्टेज वाले में लिखाए थे, बस इतना याद रखो कि इनक्लोज्ड लूप सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
across all the appliances will be zero. याद रहेगा इस सिंबल से? तो देखो क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना. ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, ये बैटरी के लिए और ये रेजिस्टेंस के लिए. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं. लिखने का टाइम छूट जा रहा है. क्या बोल? इंटीग्रल ऑफ 2x / y. अच्छा, ऐसा दे रखा है. करेंट ही पता करना है. समझ में आया स्नेहा? मास्टर सम्मी, बहुत दिन के बाद आए हो. सम्मी सो गया, ज्वाइन करके भाग गया. करेंट फाइंड करना है इस ब्रांच में. वैष्णवी समझ में आ रहा है? थोड़ा टफ हो जाएगा तो बोल देना, इजी क्वेश्चन करवा दूंगा मैं. बाप सामने क्या हुआ सामने तुम्हारा? अब तक कहाँ थे? फ्लड तुम लोग की तरफ आ गया क्या? फ्लड तुम्हारे तरफ भी आया है? कहाँ गया तुम्हारा? कहीं भी एक जगह जीरो मान लो. तुम्हें तो आया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरो मान ले रहे हैं. इस फिगर को फिर से ड्रॉ करो और उसमें तुम लोग बनाना. हाँ, तो वहाँ तो शायद सिटी में भी पानी आ गया ना, घर में नहीं आ रहा पानी. अच्छा गांव में नहीं है, बहुत ही गंदा ना, पूरे मुजफ्फरपुर हुआ हुआ है ना, हर स्टेट में पहुंच गया है. गांव किधर पड़ता है? वहां से और अंदर किधर, कौन सा साइड? उधर पानी नहीं आया यार, उधर तो जल्दी आता है, नेपाल वाला पानी छोड़. अंशु ये सौम्या आ जाइए, लास्ट क्लास नहीं कर रही थी सौम्या? अन्वेषा अरे नहीं, तुम नहीं थी सौम्या लास्ट क्लास में तो नहीं. सौरभ, सौरभ भी नहीं था. रोहित भी लास्ट क्लास में नहीं आया था. इधर हाँ, तो रोहित और प्रिय दोस्त था. आइए मकर ध्वज, बहुत दिनों से क्लास नहीं कर रहा है, कहाँ हो गया जी? हो गया क्या बोलो? मकर ध्वज बोलो. चलो ठीक है, जहाँ जब हो जाए बोरिंग लगे तो बोलना. तो जैसे तीनों का करंट निकाले हैं, उसके बाद पूरा नहीं सुना देगा तो इसको अच्छा गाना सुना जाता, गाना गाने आता है. वैष्णवी अंशु देखो, जैसे कि हमको यहाँ का पोटेंशियल पता नहीं चल रहा, तो हम यहाँ का बोल दिए x, ये जीरो है तो यहाँ का हो जाएगा हमारा, बोलो कितना. तुम लोग बोलो, हम सब लिखेंगे. यहाँ पे जीरो है तो इस पोजीशन पे कितना? माइनस एक्स. प्लस ना होगा क्योंकि ये हायर ऊपर है, लोअर नीचे है. हाँ सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? वहाँ पे फोर.
यहाँ x है तो यहाँ कितना होगा तो बोलना जी वहाँ पे x माइनस फोर होगा। ये लोअर है और x से चार कम होना चाहिए, यही होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो हम इसको बोल दे रहे हैं कि हमारा पोटेंशियल है इस पॉइंट के लिए, हम इधर मान ले रहे हैं कि I1 होगा, इधर हम मान ले रहे हैं ये I2 है, इधर ही मान ले रहे हैं I3, तीनों सेमी डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम इसको I1 प्लस I2 प्लस I3 मान ले रहे हैं। ठीक है, ये हम लेट किए हैं, ऐसा है नहीं कि तीनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा हो। ठीक है, हम जब पोटेंशियल लिखेंगे तो हमारा अपने आप ये आंसर दे देगा, माइनस होगा तो माइनस। जैसे यहाँ पे हम इसके I1 लिखना चाह रहे हैं, तो I1 में हम डायरेक्शन इस डायरेक्शन में माने हैं, यानी कि x माइनस फोर क्या होगा, जीरो से ज्यादा होगा, तो लिखेंगे x माइनस फोर माइनस जीरो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय जो ओम है, जो रेजिस्टेंस है I होगा। I2 अगर हम लिख रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस में जितना करंट होगा वही I2 होगा, तो हम x माने हाइयर तो क्या लिखेंगे, x माइनस सिक्स बाय टू। ठीक है, सेम मान लिए हैं, कोई भी दिया रहा है हम वही लेंगे। प्लस इसमें भी हम x क्या माने, इधर के डायरेक्शन है करंट का, तो x हाइयर है फोर लोअर माइनस। ठीक है, हम हायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि करंट जिधर बहता है वही हायर टू लोअर ही बहता है, बस अब x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो टू 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 नीचे से गायब दिख रहा है, इधर हमको दिख रहा है ये कितना 3x इज इक्वल टू 6 × 10 = 14, यानी कि x आ गया हमारा 14/3। ठीक है, x अगर 14/3 तो यहाँ से हम I1 पता कर सकते हैं, I1 कितना हो जाएगा बोलो, इसमें क्या रखना है, x का वैल्यू पुट कर देना है, तो 14/3 - 4 यानी कि 2/3/2 हो जाएगा, यानी 1/3 एम्पियर आ रहा है। I2 फाइंड करते हैं, तो I2 के लिए हम ये एक्सप्रेशन लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे, 14/3 - 6 यानी कि ये -4/3/2 आ रहा है। बोलो ये इसमें x का वैल्यू ये पुट कर दे रहे हैं, तो x का वैल्यू 14/√3 पुट करेंगे, तो 14/√3 - 6 करेंगे तो -4/3/2 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है, इसको कोई दिक्कत है तो बोलो। और अदरवाइज I3 में हम इसमें पुट करेंगे तो 14/3 - 4 यानी कि 2/3 I2 यानी कि फिर से आ रहा है 1/3 एम। देखो यहाँ ध्यान से कि I1 I2 जो है प्लस आ रहा है, लेकिन I2 जो है माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम I1 और I3 का डायरेक्शन सही माने हैं, लेकिन I2 का डायरेक्शन जो हम माने हैं वो उसका उल्टा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा। और यहाँ ध्यान से देखो तो I1 प्लस I3 जो है I2 के बराबर भी आ, बात समझ आया। Yes, sir. बोलो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसा सर्किट दे रखा है, ठीक है, यहाँ ए से बी जाना है, ठीक है, ए से बी हमको जाना है, इसमें से भी ए माइनस भी बी कितना होगा ये हमको पता करना है। कैसे करेंगे, सर पहले तो पोटेंशियल मान लेंगे उधर 1 एम्पीयर के आगे में ये पॉइंट पे, यहाँ का हम पोटेंशियल मान ले रहे हैं कि भी है, यहाँ का पोटेंशियल जो है भी है, दोनों का डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो सोचो हम भी ए से चलना शुरू किए,
पी, हम जा किधर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बात क्लियर है? तो करंट भी उसी डायरेक्शन में, हम भी उसी डायरेक्शन में। तो करंट के लिए रजिस्टर के पास जब देखेंगे तो ये हायर हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा। बैटरी में हमको साइन देखना है, तो प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, तो यानी कि हम इसमें हायर से लोअर जा रहे हैं। करंट इसमें भी ऐसा ही जा रहा होगा, तो ये हमारा हायर है और ये लोअर है। इसमें अगर देख रहे हैं तो ये माइनस है, ये प्लस है, यानी कि ये लोअर वाला डंडी है, ये हायर वाला डंडी है, और ये भी फिर से हायर है। ये बात डिसाइड कर लिए हम, हर जगह ये लिखना जरूरी नहीं है, हम बस समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि हायर है लोअर है। बाकी हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो खुद को खुद हम अज्यूम कर लेते हैं करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि हायर से लोअर जा रहे हैं रजिस्टर के। बात क्लियर है यहाँ पे? सुनो अब ध्यान से कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है तो यहाँ तक जाते तो इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो जाता, वहां का पोटेंशियल हम कितना लिखते, बोलो कितना लिखते VA में से? ये जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस घट रहा है वही होगा, यानी कि VA हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस I इंटू R लिखते लिखते हम I लिखे हैं तो 1 इंटू 2 लिख रहे हैं। बात समझ आ रहा है? यस सर। हाँ ये ना ठीक है। अब अगर हम इस बैटरी पे जा रहे हैं तो ये हायर से हम लोअर जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि -4। फिर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहे हैं तो करंट तो 1 ही जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन हायर से लोअर तो फिर से -1 × 3। यहाँ देख रहे हैं तो लोअर से हायर जा रहे हैं, यानी डिफरेंस हमारा आ जाएगा प्लस का 8, और फिर यहाँ देखेंगे -1 × 1। पहुंच कहाँ गए? बी पे, तो इक्वल टू बी लिख देंगे। यहाँ से ये आया हमारा VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 6 × 3 = 9 = 10, यानी कि 2 वोल्ट। −10 + 8 हो रहा है, -2 होता है, इस साइड ले जाएंगे, बी को इधर ले आए और इधर जो आ रहा था कैलकुलेट करके इधर लेते हैं, तो 2 हो गया। देखना अगर टाइम इनवर्स ए रहा प्लस, बात समझ आया? इनवर्स फंक्शन पर पड़े इसका जो वैल्यू होता है टाइम इनवर्स, बताओ ए प्लस बी, बोलो डिवाइडेड बाय, ये जो सर 4 वोल्ट को -4 लिखे ना सर, वो कैसे लिखे ना, इसको यहाँ ध्यान से देखो कि हम बैटरी है हमारा ऐसा, ठीक है, ये 4 वोल्ट का बैटरी है, हम इधर की तरफ जा रहे हैं, हमको क्या मिला ये प्लस वाला डंडी या माइनस वाला डंडी, तो हम जा रहे हैं हायर से लोअर, तो हम अगर डिफरेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वो डिफरेंस कितने का है, 4 का है, और फाइनल जो है कम है इनिशियल से, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बोलो बोलो, बात समझ आया? तो ये चीज डिसाइड करना होता है अपने, साइन कन्वेंशन हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बताए थे, रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन देखना होगा, करंट जिधर बह रहा है वो हायर से लोअर, यानी रेजिस्टेंस के लॉन्ग हायर से लोअर ही बहेगा, अगर हम भी इधर जा रहे हैं तो ये माइनस होगा, अगर इसका उल्टा जाएंगे तो प्लस ले रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा दे रखा है जैसे डे एंड नाइट क्या होता है, चेंज होते रहता है 24 आवर्स के बाद, 24 आवर्स इसका क्या हो गया, डे एंड नाइट का जो होता है 24 आवर्स इसका पीरियड हो गया, साइन एक्स हो गया, तो वाई इक्वल टू अगर साइन एक्स निकल जाए
यहाँ पे साइन एक्स कुछ इस तरह से जाता है, तो ये देखो जीरो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो जो होता है वो काम कहाँ होता है जी, एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तब एक्स इज इक्वल टू पाई रखेंगे तब एक्स इज इक्वल टू टू पाई रखेंगे तब एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई रखेंगे तो जीरो हो रहा है। यहाँ पे जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। फिर देखो तो ग्राफ देखो क्या हो रहा है, यहाँ तक तो गया ठीक है, इस तरह से ठीक है a माइनस b भी क्या होगा इसमें, इसमें करंट दे रखा है हमको इधर से 5 एम्पीयर ठीक है, और इधर दे रखा है 3 एम्पीयर ये चीज दे रखा है हमको। फिर यहाँ के बाद वही रिपीट कर दिया, इसका बोलेंगे अगर y is equal to sin x है तो इसका पीरियड पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो बता, कंडीशन क्या होता है, किसी भी फंक्शन को कैसे चेक करोगे, कंडीशन फॉर ए फंक्शन ये तीनों चीज करना है तो लिखा जाता है इसके लिए कंडीशन होता है a x plus b is equal to a x आना चाहिए, जैसे ऑड एंड इवन में जो कंडीशन होता है उसी तरह से इसका कंडीशन है कि a x plus t means x को रिप्लेस किया किया जा रहा है x plus t से रिप्लेस कर रहा है देन फंक्शन f x के बराबर ही आ जाना चाहिए दोनों, इस तरह से होगा तो पीरियोडिक होगा, अगर नहीं आ रहा और ये क्या होना चाहिए t का जो वैल्यू होना चाहिए ये पॉजिटिव होता है। तो B के पास में कितना वोल्ट है बैटरी, अच्छा जब पॉजिटिव वैल्यू की जब भी आएगा पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव वैल्यू होता है इसका 2 वोल्ट और ये लिस्ट होना चाहिए, क्या होगा कि इसका पीरियोडिक देखना चाहोगे तो यहाँ से 4 पाई बोलो फिर 4 पाई बोलो वो भी क्या हो जाएगा पीरियोडिक हो जाएगा लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड उसका नहीं होगा ठीक है, फंडामेंटल लिस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर विच VA माइनस VB 37 इक्वल टू क्या होगा 37 आ रहा है क्या होता है फंडामेंटल यस पता नहीं हो सकता है देखते हैं, अगर देखो यहाँ से अगर 5 एम्पियर करंट आया इधर कितना चला गया 3 एम्पियर तो इधर कितना गया होगा 2 एम्पियर, बस अब इक्वेशन लिख लेना है पहला का अगर लिखे तो VA से शुरू कर रहे हैं VA, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम करंट हाई से लो जाता है हम भी उधर ही जा रहे हैं तो माइनस 5 इंटू 2 ये भी हम हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस 10 फिर यहाँ हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस 5 इंटू 3 फिर यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2 और ये फिर लो से हाई जा रहे हैं तो प्लस 2 इक्वल टू हम बीबी पे पहुंच यहाँ से VA माइनस बीबी जो हो जाएगा 10 10 20 15 35 37 ठीक है। किसी को अगर ये लिखा हुआ समझ ना आया हो तो पूछ लो क्योंकि ये चीज इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है। सर 2 माइनस 2 इनटू माइनस 22 क्यों लिखा सर, यहाँ से करंट किधर जा रहा है इस डायरेक्शन में ठीक है, हम ए से चले थे बी जाने के लिए तो मेरा भी यही डायरेक्शन है तो हम यहाँ हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है होता है ठीक है, और आयर तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस लेंगे यस बात समझ आया यस और कोई दिक्कत ठीक है, बीबी माइनस बी सी अब खुद से कैलकुलेट करो इक्वेशन लिखते हैं फिर ना बीबी माइनस बी सी यानी कि हम बी से चलना शुरू कर रहे हैं अब इसको अल्फा की तरफ भी है तो यहाँ पे इसको
ठीक है, b से चलना शुरू कर रहे हो तो देखो हम इधर से आएंगे और इधर की तरफ ऐसे चले जाएंगे 14 वोल्ट, ठीक है। देखो भीवी से आए तो यहाँ जब पहला बैटरी हमको मिला तो हम लो हायर से लोअर जा रहे हैं, यानी कि -2 लिखेंगे। फिर इसके क्रॉस अगर हम लिख रहे हैं तो देखो हम लोअर से अब हायर की तरफ आ रहे हैं, तो +2 × 2। आशुतोष, यस सर, बात समझ आया? इसमें हम माइनस लिखे और यहाँ पे उसी चीज को हम क्या लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम उल्टा डायरेक्शन में आ रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब इधर की तरफ आए तो फिर ये हायर से लोअर गए, तो हायर से लोअर गए तो ये हमारा आ जाएगा -4। करंट इधर ही है तो हायर से फिर लोअर, यानी कि -3 × 4 हम पहुंच गए वीसी पे। यहाँ से हमको VA - VB - VC दिख जाएगा कितना, ये चार चार तो कैंसिल हो गया, 14। वैसे ही इसको फाइंड कर लेना, ये होमवर्क रहेगा। तो अगर हमको किसी भी सर्किट में घूमने के लिए कहा जाएगा तो हम घूम के लिख सकते हैं, बोलो। एक प्रैक्टिस के लिए करते हैं, लिख लिए इतना। बस प्रैक्टिस है, सिंपल। ठीक है, हम इस लूप में ए से फिर से ए आ रहे हैं, तो राइट केवीएल इक्वेशन फ्रॉम ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए जाने केवीएल का इक्वेशन लिखना है हमको। प्रैक्टिस के लिए है, कोई बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं है। रिपीट मींस आउटपुट सेम जगह, देखो यहां से यहां तक क्या, अब देखो इसके बाद देखो क्या, तो सेम वैल्यू रिपीट करने लगे, जो आउटपुट देगा वो सेम होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, यहां से जो आउटपुट देगा वो सेम, इसके बाद क्या होगा, यहां से जो आउटपुट देगा वो सेम होगा। और हमारा ये जो लेंथ होते हैं x का वो 2 पाई होता है, यहां से ये जो लेंथ होते हैं x का वैल्यू। सर इसमें करंट कितना दिया हुआ है, करंट तो निकाल ही सकते थे। सिमिलरली इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो y = थोड़ा बहुत तो सर्किट पता है ना, पीरियोडिक फंक्शन है, सारे रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में फाइंड करेंगे तो यहां से जो आएगा एक एक वेट जो है इसको ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हो, अदरवाइज सेम प्रोसेस, इसको ऐसे कर लो, इस तरह से इसका ग्राफ जाता है तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 मिला, इसको चेंज कर लो, इसको 20 कर लो, वन लाइन हम लोग बनाते हैं तो 1 यहाँ पे मिलता है। देखो ये 0 हो गया और ये वाला जो वैल्यू आता है वो कितना होता है जी बताओ, 30 वोल्ट, याद रखो -5 होता है। करंट जो होगा वो इधर से 1 एम्पियर होगा, अगर नहीं पता है तो हम दे देते हैं, ठीक है। y = tan x, क्योंकि फिलहाल करंट निकालना हम नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ केवीएल लिख टू आर होते हैं, लेकिन 2n + 1 π/2 इसमें से हम लोग क्या करते हैं, ये जो सारे वैल्यू हम a से चलेंगे तो a से चलो तो va, हमको ये बैटरी मिलेगा लोअर से हायर, यानी कि +20, फिर यहाँ पे मिलेगा -4, फिर यहाँ मिलेगा हायर से लोअर, यानी कि -30, ठीक है। यहाँ से अगर इधर आ रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन तो इसमें ऐसा है,
तो हम लोअर से हायर जा रहे हैं यानी कि प्लस वन इंटू वन आएगा, यहाँ पे भी इंटू वन लगा लो हायर। इसमें क्या आएगा तो इसमें भी प्लस, तो माइनस फोर क्यों होगा, प्लस होगा प्लस होगा ठीक है। लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, फिर वैसे ही यहाँ पे वन इंटू टू प्लस वन इंटू थ्री पहुंच गए कहाँ ए पे। तो देखो यहाँ से ध्यान से, वी ए माइनस वी ए जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। क्या हमको ये सब जोड़ के जीरो आ रहा है, आ रहा है ठीक है। यानी कि हमको बस लिखने के लिए बताए थे, हमको ऐसे लिखना है। अगर एक क्लोज लूप में घूम रहे हैं तो जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा जहां से चले थे वहीं पे आ गए तो हमारा ड्रॉप इन पोटेंशियल जीरो, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल जीरो। यानी कि यहाँ से हम बोल रहे हैं कि डेल्टा भी जो है वो जीरो है, तो डेल्टा यू लिखना होता तो Q इंटू डेल्टा भी लिखते। अगर Q चार्ज मूव कर रहा है सर्किट में तो जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये भी जीरो आता। तो जीरो आने का मतलब कि जो हमारा एक कंप्लीट राउंड में लूप में अगर चल रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यानी कि एनर्जी जो है कंजर्व्ड है, जो कि हम पहले ही बोले थे ठीक है। तो ये चीज था हमारा KCL और KVL सर्किट में हमको यूज करने आना चाहिए। KCL बोले तो किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी कि अगर कोई भी जंक्शन दिखेगा तो उस जंक्शन पे जितने भी इनकमिंग करंट होंगे उनका सम आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। इनकमिंग करंट को हम लोग ऐसे पॉजिटिव मानते हैं और आउटगोइंग को निगेटिव, तो साइन के साथ रख लेते हैं। नहीं अगर दिया है तो हम अपना कोई भी डायरेक्शन मान के कर सकते हैं। बात क्लियर है। और KVL में हमको वैसे पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हुए पूरे लूप का लिखना होगा, एक से पॉइंट से दूसरे पॉइंट दिया होगा तो लिखना होगा। अब देखते हैं हम लोग सीरीज। हाँ क्या प्लस फोर कैसे हुआ सर, समझ में आ रहा? यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, और हम घूम रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो हम गए किधर, लोअर से हायर, तो लोअर से हायर गए तो डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। इसीलिए करंट है वन, रेजिस्टेंस है आर, तो पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे आई आर ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं सर, हो गया फर्स्ट। तो ये हमारा सर्किट थ्योरी है, सर्किट थ्योरी और तो आगे चलता ही रहेगा, ये सिंपल बेसिक सर्किट थ्योरी था ठीक है। सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का बात करें तो इसमें हम लोग दो तरीके का पढ़ते हैं, एक सीरीज दूसरा पढ़ेंगे पैरेलल। ये टेंथ का ही है टॉपिक। सीरीज कनेक्शन हम लोग किसको कहते हैं कि अगर हमारा एक रेजिस्टेंस ऐसा है दूसरा रेजिस्टेंस ऐसा है, इसको अगर हम एंड टू एंड ऐसे कनेक्ट करते गए तो ये सारे कनेक्शन जो कहलाएंगे वो हमारा सीरीज कनेक्शन कहलाएंगे। वही अगर हम कहा जाए पैरेलल के लिए तो अगर हम इसको दो किसी पॉइंट के बीच में जोड़ दें ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम तीनों रेजिस्टर्स को जोड़ दिए तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में है, यानी कि ये पॉइंट और ये बी पॉइंट, यानी कि सेम दो पॉइंट के क्रॉस में जोड़े हैं, तो ऐसे कनेक्शंस को हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहेंगे। और ऐसा कनेक्शन जो एंड टू एंड कनेक्शन होगा इसको सीरीज कनेक्शन कहेंगे ठीक है। एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं। सीरीज, सीरीज में अगर हम मान लेते हैं कि तीन रेजिस्टर ऐसे जोड़ा हुआ है, इसको हम किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिए, हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ठीक है। तो हम मानते हैं कि इसको एक रेजिस्टर से चेंज कर दिए, ये हमारा भी है, हम मान लेते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट है
इसमें से करंट जो है आई बह रहा है, ये भी है, तो इसमें से भी करंट आई ही बह रहा है। तो आर इक्विवेलेंट ये मतलब हुआ कि हम इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक ऐसा रेजिस्टेंस कितना यूज कर सकते हैं कि सेम हमको करंट मिले, सेम बैटरी से अगर हम कनेक्ट करते हैं। तो ये आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आता है? प्रूफ करने का जरूरत है? नो सर, इसमें तो करंट सेम होता है, तो प्रूव होता है। चलो ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं। करंट सेम है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3 होगा। इसके अक्रॉस अगर एक ही है तो जो भी ड्रॉप होगा इसी के अक्रॉस होगा। तो अगर लिखेंगे यहाँ से V1 तो क्या लिखेंगे बताओ? IR1। V2 क्या लिखेंगे? IR2। और V3 क्या लिखेंगे? I। और यहाँ से भी क्या लिखेंगे? IR equivalent। अब ये जो भी है वही इन तीनों के बीच में ड्रॉप करा होगा, तो V is equal to जो होगा V1 plus V2 plus V3 होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? IR equivalent is equal to I R1 plus I R2 plus IR3। पूरा हम डिटेल में इसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 10th में इसको रटाया जाता है कि भाई प्रूफ है, आता आता है, इसको रट लो। ठीक है, तो ये चीज जो हमारा आ गया, ये आ गया रेजिस्टेंस। यानी कि अगर 3 से ज्यादा रहा तो ऐसे ही हम लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बोले, अगर ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, इसमें से करंट I बह रहा है, तो अगर हमसे V1 और V2 पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं किसी सर्किट है, किसी में सर्किट के बीच में हमको ये मिल गया, बैटरी हमको नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऐसा हो गया कि R1 R2 है, सीरीज में है और हमसे V1 V2 पूछा जा रहा है। तो हमको क्या दिखता है यहाँ से कि जो भी होता है वो IR है और I जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर I कांस्टेंट है तो भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। अगर ऐसा दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं V1:V2 जो होगा, ठीक है, अच्छा I दिया रहेगा तब तो क्या दिक्कत है V1:V2 में, इतना क्या सोचना है। I दिया रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? V1 is equal to IR1। और V2 is equal to IR2। ठीक है, ये उल्टा हम बोल गए। ऐसा दिया रहेगा तो ये क्या हो रहा है? ये लेंथ जो रिपीट कर रहा है, देखो यहाँ तक किया, सीरीज में है, ज्यादा हमको इसमें टेंशन लेना जरूरत नहीं पड़ता, आई डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। फिर भी कभी अगर आ गया तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसमें जो हमारा देखता है, तो इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, तो ये चीज हमको दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं V1:V2:V3 जो होगा वो आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R1:R2:R3। यहाँ से V1 का वैल्यू अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? R1/R1+R2+R3 × V1+V2+V3। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीरीज में हम लोग डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, इसलिए इसमें हमको चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये वाला मेथड हमारा जो है पैरेलल वाले केस में ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं कि R1 R2 R3 से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर हम पैरेलल का बात करें, ये सीरीज वाले में किसी को दिक्कत, क्योंकि हम ये सब समझ रहे हैं कि ये 10th क्लास का ही टॉपिक है, तो ये लगभग सबको आता है। तो अगर किसी को नहीं आता है तो बेझिझक पूछ सकता है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं?
चंदन नो सर ठीक है पैरेलल कनेक्शन भी सेम टू सेम वैसा ही है तो इसमें भी हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे मान लेते हैं कि ऐसे दे रखा है इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं ठीक है तो बैटरी से कनेक्ट किए इसका पोटेंशियल हम भी मान रहे हैं इसमें करंट कोई आई जा रहा है यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से दिख रहा है कि हमको इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी होगा ठीक है अगर हम इसमें देखें तो ये करंट आई आया होगा तो इधर की तरफ चला गया होगा हम इसमें बोल रहे हैं आई वन इसमें आई टू इसमें आई थ्री तो हमको इसमें क्या दिख रहा है कि भी जो है वो रिमेन सेम है ऊपर वाले में क्या था करंट सेम था इसको हम हटा रहे हैं कि सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगाएं और सेम बैटरी से जोड़ दें तो करंट हमारा आई ही रहे तो ये आर इक्विवेलेंट कितना होगा तो यहाँ से हमको दिख रहा है वी इजकल टू आई इन टू आर इक्विवेलेंट यानी कि आई इजकल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट वैसे ही इसमें अगर हम देखें तो आई वन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वी सब में सेम है वी बाई आर वन I2 लिखेंगे तो V by R2 और I3 लिखेंगे तो V by R3 अब हमको क्या दिख रहा है कि I जो है I1 plus I2 plus I3 है ये सब हमको लग रहा है कि हम टाइम पास ही कर रहे हैं सबको आता है ये V by R2 plus V by R3 यहाँ से हमको क्या मिल गया वन बाई आर इक्विवेलेंट जो होगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई ऐसा ही होता है बोलो कैपेसिटर वाले में इसका उल्टा आया करता था जो पैरेलल में है वो सीरीज का फॉर्मूला आता था और सीरीज वाला पैरेलल का फॉर्मूला आता था यस सर वाला फॉर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल पैरेलल में अगर टू रेजिस्टेंस रहेगा तो हम लोग उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं वन बाई आर जो आ रहा है वो क्या रहा है वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू इसको हम लिख सकते हैं आर वन आर टू एलसीएम लेंगे तो ऊपर आर वन प्लस आर टू आएगा तो आर डायरेक्टली हम इसके इसमें लिख सकते हैं आर वन आर टू बाई लिख सकते हैं तो दो के लिए हम लोग इसको आसानी से यूज कर लेंगे ताकि ये कैलकुलेशन में हमारा काम आसान कर देगा ठीक है ये दो रेजिस्टेंस के लिए है मान लेते हैं कि ऐसा हमको दे रखा है कि ऐसा दे रखा है बोल रहा है कि इधर से करंट जा रहा है मान लेते हैं 10 एम्पियर ये 2 ओम है ये 3 ओम है ये 6 ओम है तो बताओ कि सब में करंट कितना होगा हमसे I1 I2 I3 पूछा जाएगा तो I1 कितना होगा I2 कितना होगा I3 कितना होगा ये कितना होगा अगर हमसे ऐसा पूछा जाए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं एक तो मेथड है पोटेंशियल निकाल लेंगे पहले मतलब भी भी कैसे निकालेंगे तो आई अलग होगा तो आई पता रहेगा तब तो हम भी निकालेंगे कैसे निकालेंगे बोलो ये सब क्या होगा एक तो वही मेथड है जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो बस यहाँ से हमको क्या करना है कि R इक्विवेलेंट निकाल लेना है तो 1 बाई आर जो आएगा वो आ जाएगा 1 बाई टू प्लस 1 बाई थ्री प्लस 1 बाई सिक्स ठीक है इसका एलसीएम लेंगे तो हमको कितना दिख रहा है कितना दिख रहा है बोलो सिक्स दिख रहा है यहाँ जाएगा थ्री प्लस टू प्लस वन
यानी कि यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि आर जो आ जा रहा है वो 1 ओम आ जा रहा है। तो करंट है 10 का आर इक्विवेलेंट 1, तो वी जो आएगा वो 10 × 1 आएगा, यानी कि 10 वोल्ट आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वो 10 वोल्ट का होगा। ठीक है, अगर 10 वोल्ट है तो हम आराम से I1 लिख सकते हैं। I1 कितना लिख सकते हैं, तो V/R 10/2 यानी कि 5 एम्पीयर। I2 कितना लिख सकते हैं, 10/3 और I3 कितना लिख सकते हैं हम, 10/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड है हमारा कि अगर ऐसा दे रखा होगा तो हम आर इक्विवेलेंट पता कर ले, 10 निकाल ले इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है, उसके बाद तीनों में करंट निकाल ले। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो आएगा वो 10 ही आएगा। ठीक है, मेथड 2 देखते हैं। ऐसा दे रखा है हमको, ठीक है, ये 2 था, ये 3 था, ये 6 था, इधर से 10। इसके अक्रॉस हम जानते हैं कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल जो आएगा वो सेम आएगा। V=2 जो होता है वो IR होता है और ये कांस्टेंट है, यानी V कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यानी कि I जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, यानी कि जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, यानी कि सबसे कम करंट जो होगा वो I3 होगा और सबसे ज्यादा जो होगा वो I1 होगा। ये बात क्लियर है, बोलो। अभी ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं I1 is to I2 is to I3 is equal to 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 1/3 is to 1/6। अब हम क्या करेंगे, ऊपर किसी से मल्टीपल कर लेंगे, रेशियो में है तो फ्रैक्शन हटाने के लिए, तो अगर 6 से मल्टीपल कर ले रहे हैं तो हमको 3:2:1 के रेशियो दिख जा रहा है। बोलो, यानी कि हम I1 is to I2 is to I3 को हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम I1 का वैल्यू लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसका पहला टर्म बाय सबका सम इनटू सबका इसका सम, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो दिख रहा है वो 10 दिख रहा है। 10 बात समझ आया, यस सर। यानी क्या करें, यहाँ से इस फ्रैक्शन को हम चेंज कर लिए, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये हम लोग 7-8 में पढ़ते हैं, ये 3/6 × 10 हो गया, यानी कि 30/6 5 एम्पीयर। वैसे ही अगर I2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, 2/6 × 10 यानी कि 10/3 एम्पीयर। I3 अगर लिखना हो तो कितना हो जाएगा, तो कितना था, 6/6 था, I3 कितना हो जाएगा, तो 1/6 × 10 यानी 10/6 यही होगा क्या। जब I2 लिख रहे हैं तो ये ऊपर रहेगा, नीचे सबका सम, यानी कि कभी भी हमको A:B:C अगर कुछ मिल जाए, X:Y:Z, इसका मतलब A का जो वैल्यू होता है X/X+Y+Z × A+B+C, ऐसे हम लिख सकते हैं। सिमिलरली B के लिए, सिमिलरली C के लिए लिख सकते हैं। बात क्लियर है, तो हम वेरिएबल से यूज नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही एक एग्जांपल लेके किए हैं। तो इस एग्जांपल से ये बात समझो कि दोनों मेथड से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ जो अच्छा लग जाए, जो जिससे आसान हमको हो जाए, उस चीज हम आराम से करके निकाल।
थर्ड पॉइंट फॉर एन इक्वल रेजिस्टेंस एन सीरीज आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा एन आर आ जाएगा लेकिन अगर यही सब पैरेलल में रहे तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आर बाई एन आएगा कोई दिक्कत सर ठीक है सिंपल सा जनरल इंफॉर्मेशन है अब सोचो कि अगर हम मान लेते हैं दो रेजिस्टर है एक एक ओम का है और एक जो है 100 ओम का है हम एक बार इसको सीरीज में कनेक्ट करें तो ये हमको मिला 101 ओम इसी को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा बोलो आर इसके लिए हो जाएगा 1 × 100/101 हो जाएगा आर बराबर आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू से बोलो यस सर ठीक है अगर हमको ये बात समझ में आ गया है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बता ध्यान से देखो तो अगर हमको दो रेजिस्टर दे रखा है कितना भी वैल्यू का हो अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करें हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो उसमें जो सबसे बड़ा होगा उससे भी ज्यादा आएगा ठीक है यानी कि जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो बड़ा ही होगा क्योंकि उसमें हम सब क्वांटिटी को जोड़ते जा रहे हैं यानी कि 100 है उसमें एक जोड़ेंगे तो ऑफ कोर्स 100 से भी बड़ा आएगा लेकिन पैरेलल वाले में ध्यान से देखो कि लोएस्ट जो है 1 है और ये क्या लेस देन 1 दिख रहा है हमको यानी कि सीरीज में कहेंगे तो आर इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस जो हमारा लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी इसमें ये बड़ा होगा लेकिन अगर हम पैरेलल का बात करें तो पैरेलल में जो होगा हमारा आर इक्विवेलेंट विल बी स्मॉलर देन यानी कि जो हमारा स्मॉलर देन लोएस्ट जो लोएस्ट रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे होंगे उससे भी ये स्मॉलर आएगा ठीक है भले ही हमको सुनने में ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्या फालतू का बात है इतना क्या होता है लेकिन हमको बहुत जगह क्वेश्चंस में हमको ये काम कर जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये सब चीजें अगर हमको याद रहे छोटी छोटी बात तो हमारा बहुत फायदा हो जाता है इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी दो रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करेंगे दो या तीन चार पांच कितने भी हों अगर हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में करेंगे तो जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा आएगा ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि जितना भी बड़ा वाला है उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड ही कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उससे ज्यादा आना है और पैरेलल वाले केस में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा क्योंकि हम उसका रेसिप्रोकल ले लेके जोड़ रहे हैं ठीक है ये चीज को हमको ध्यान में रखना है अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं मुझबानी वाले पहले करते हैं लॉलीपॉप ठीक है तुम लोग आंसर बताते जाओ ऐसा दे रखा है 2 ओम ये 2 ओम 4 ओम ये 3 ओम ये भी 2 ओम ये 4 ओम ये बी आर ए बी क्या होगा बताओ तुम लोग हम नहीं बताएंगे तो क्या करना है इसका न्यूमरेटर क्या हो गया एलसीएम एलसीएम ऑफ
सबका आ गया ऊपर में एलसीएम कितना आ जाएगा जी? इसमें आरए भी क्या हो जाएगा? कितना जाएगा एलसीएम? 1 आ जाएगा। इसमें किसी कोई दिक्कत है? 7/2 आगे पहले था। देखो यहाँ से 2-4 सीरीज में तो 6 हो जाएगा, 6 और 3 पैरेलल में, यानी 6 3 18/9 रखेंगे तो 2 आएगा, 4 2 फिर से 6 6 और 2 फिर से पैरेलल में तो 12/8 दूसरा का 6 इसका कितना जा रहा है 12/8 + 2 यानी कि 16 28/8 और 1 रहेगा यानी कि वही 14/4 यही बोल रहे थे ना 7/8 किसी को इसमें नहीं आया हो तो पूछ लो कैसे किए हैं क्या कर रहे हैं इधर दिख रहा है हमको सीरीज फिर पैरेलल फिर सीरीज फिर पैरेलल फिर सीरीज बाकी अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो आराम से पूछ सकता है सब ओम में है यहाँ से ये दोनों आपस में हमको पैरेलल दिख रहा है तो 12 और 6 का कितना हो जाएगा 4 अरे 12 और 6 इन दोनों का क्या मिलेगा हमको 12 × 6/18 3 4 यानी कि हमको क्या मिल रहा है 4 ओम 4 और 6 10 फिर 10 10 5 7 5 12 12 6 फिर से 4 4 2 6 दिख रहा है सर किसी को भी अगर ना दिख रहा हो तो पूछ लो अगर सेम टाइप के रहेंगे नहीं बोलोगे नहीं पूछोगे ऊपर कीजिए ना अब ये सेम टाइप के हो गए और ठीक है सर कितना हो जाएगा जी हो गया एलसीएम इक्वल टू 15 ठीक है इससे थोड़ा सा और अच्छा देते हैं अब क्या होगा इरेशनल सिर्फ ये होता है इरेशनल और रेशनल के बीच में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता एलसीएम इरेशनल इरेशनल सेम टाइप के रहेंगे तभी एग्जिस्ट करेगा एलसीएम ऑफ irrational number having same nature only ये 2π हो गया और यहाँ पे 9π हो गया इसका LCM find करना है तो ये हो जाएगा same type का तो ये हो जाएगा कितना 18π फिर वही रहेगा 9π और root 2 का इसका निकालो क्या होगा ठीक है यहाँ बीच में जो है ये 3 ओम है हेलो ये बीच में वायर से ऐसे कनेक्टेड है अब इसका बताओ तो पॉइंट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जल्दी से बताना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जल्दी से बताओ क्या होगा बोल बोलिए आंसू ये गया आंसू ये गया चला गया अच्छा बताओ बस अभी इसका आंसर बताओ कॉस स्क्वायर 4 होगा समीर भी भाग गया समीर बाकी लोग का भी आ गया तुम्हारा भी नेटवर्क प्रॉब्लम का सॉम क्या सब ओम में ही
अरे भी इसमें कितना आ जाएगा, चार कैसे आएगा? देखो हम इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको इसका अगर हम आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वन बाई आर लिखेंगे, वन बाई थ्री प्लस ये जो हमारे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वायर है और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है तो हम जीरो रख लिए, प्लस वन बाई सिक्स ये होगा। ठीक है, अब ये जो आ रहा है हमारा कितना आएगा बोलो, यहाँ वन बाई सिक्स है, वन बाई जीरो है तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको कितना मिलेगा, जीरो, जीरो मिलेगा। अगर ये जीरो हो गया तो हमारा जो सर्किट है कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा है, यहाँ कुछ है ही नहीं, हमको यही लग रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है सिक्स और थ्री ये है ही नहीं, यही हो जाएगा बोलो। ठीक है, तो यही हो जाएगा, तो यहाँ से दो दो चार चार दो फिर दो छह, यानी कि आर ए भी जो आ जाएगा हमारा फोर ओम आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत? अब कहीं भी हमको ऐसा दिखे तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और अगर ऐसा कहीं दिख जाए, यानी कि ये सब जो रेजिस्टेंस लगाया हो बिना मतलब का लगाया हुआ है, यानी कि वो सिर्फ किस लिए लगाया हुआ है, बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, सिर्फ उसी के लिए और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उल्लू बनाने के लिए है, यानी कि कहीं भी हमको ये चीज दिखेगा तो उसके आसपास वाले को हटा देना है। यानी कि यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का बात करें तो ये जो चीज है और ये जो चीज है वो शोपीस में दे रखा है, तो नीचे वाला कितना दिया हुआ है, दो है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, शोपीस में है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट सर्किट दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये चार, ये दोनों को हम तो हटा ही देंगे, तो चार दो छे, छे और तीन पैरेलल में है तो दो, फिर पांच दो सात, आर ए भी इसमें क्या आ जाएगा, सेवन। बात क्लियर है? ओके सर, बनाए नहीं है पूरे अच्छे से, देखो बनाओ सोचो और फिर बताओ। हो गया, इसका आ गया, यहाँ पे देखो थ्री से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो हो गया, होता है तो जीरो हो जाएगा, और इधर ये दोनों तो सर्किट में है ही नहीं, इसको तो हम हटा ही दिए। अब ये चार और दो मिलके क्या मिलेगा, छः, और छः जो है इस तीन के साथ किस में है, पैरेलल में, तो दो हो जाएगा। हाँ। और ये दो और फिर इस पांच से किस में है, सीरीज में, तो पांच और दो कितने, सात, सात, क्लियर है। तो अगर हमको कहीं भी सर्किट में ऐसा आए तो याद आना चाहिए कि हमको उल्लू बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट। सर ये वाला कंडीशन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर कहीं भी कैसा भी सर्किट हो और हमको वायर ऐसा डायरेक्टली कनेक्टेड दिख जाए, तो जो भी यहाँ से करंट आएगा वो मिनिमम जिधर रेजिस्टेंस जो होता है कम होगा उसी के क्रॉस करंट ज्यादा होगा। तो यहाँ से दिख रहा है किसका रेजिस्टेंस जो है जीरो है, तो कोई जितना करंट आया क्या सारा का सारा करंट इसी से पास करेगा, बोलो। तो ये बाकी के जो रेजिस्टेंस है वो किस काम के है, हमको किसी काम के नहीं है, तो उसको हम सर्किट में रखे या हटा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको हटा देंगे। बात समझ आया?
अगर चेक करना चाहते हो बोलो, यानी कि ऐसा कहीं लिख जाए तो सारा का सारा करंट इसी से पास हो रहा है, बाकी से पास नहीं हो रहा है। यहाँ से हमको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जीरो आ गया, यानी कि तीनों का रेजिस्टेंस सिर्फ एक वायर जैसा होगा, क्योंकि अगर हम इस दोनों का पॉइंट का रेजिस्टेंस बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जीरो ही तो बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे चलेंगे। तो आगे भी टेस्ट ऑन ब्रिज कंडीशंस ये सब चीजें करेंगे, फिर और भी सर्किट एनालिसिस करेंगे कि सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे, और सर्किट सॉल्व करना जब सीख जाएंगे कुछ सिमेट्रिक सर्किट आएंगे ऐसे वैसे, तो उसके बाद पावर, ठीक है। तो सर्किट में अभी एक लेक्चर और लगेगा, एक डेढ़ लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो एंड कर रहे हैं। ये 80 पाई जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 80 पाई जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 16 पाई, यहाँ तक आएगा 16 प्लस 16 आ गया, 17 18।